gas supply and through Iran gas pipeline, we expect that it will be at favorable rates, number one, and the supply will be firm. Because obviously, we are sharing the border, and almost 780 kilometers of the pipeline to the Gwadar will not encompass more length than what length has been consumed by the Bugti areas to the Lahore. So I conclude, the Pakistani people will expect a statement by the foreign minister as to whether this aspect of the matter was discussed, number one. Number two, how the Pakistan is going to, with the United States, whether we are seeking any waiver from the sanctions, because obviously if we have to go for this project, the sanction, the waiver from the sanctions is essential. So through this house, I request that if the government can please elucidate and inform the Pakistanis as to whether the Pakistan is going ahead with the Iran gas pipelines, or in view of the statement issued by the Donald Liu last month, the Pakistanis should forget about the Iran gas pipeline, and after 12 years, right from today, after 12 years, Pakistanis will have no gas whatsoever. Thank you. Ji, Shumaila Rana Sahiba. जी डोगर साहब का खोले, डोगर साहब का माइक खोले। इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है, एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हाईलाइट किया है ऑनरेबल मेंबर शेर अफजल मरवत साहब ने और बाकी मेंबरान ने, लेकिन कितने अफसोस की बात है, एक मिनिस्टर सर यहाँ हाउस में नहीं बैठा जो मैं रिस्पॉन्ड कर सके, नॉट से एक सिंगल मिनिस्टर सर। इतनी बेतौकीरी इस पार्लियामेंट की सर, सर इसका इस पे आप फौरन रूलिंग ले, फौरन रूलिंग दे, और सर मिनिस्टर्स को अभी बुलाएं सर, अगर मिनिस्टर्स को बुलाएंगे तो सर हम डिस्कशन, एक मिनट इसका नहीं, आपसे पहले हमारे ऑनरेबल मेंबर शाजिया मरी साहब ने भी पॉइंट आउट किया है, कोई मिनिस्टर नहीं है और ऑफिसर भी नहीं है, उसका हमने नोटिस लिया है। फ्रॉम टुमारो फर्दर ऑन अगर मिनिस्टर साहब किसी उस फंक्शन में, आप चेयर को सुन लें प्लीज, बैठे तशरीफ रखें तो इसका हमने नोटिस लिया है कि नेक्स्ट टाइम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो अगर मिनिस्टर साहब कोई नहीं है तो उनके ऑफिस से यहाँ ज़रूर लोग होने चाहिए। आपकी चीज़ रिकॉर्ड पे तो आ जाती है, मगर उनके लिए भी होना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट उसका नोटिस ले। जी मैडम बोलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक लबकुशाई का मौका दिया। अभी उससे पहले मैं अपनी क़यादत की मशकूर हूँ जिन्होंने एक सियासी कारकुन को अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे मौका दिया। अभी चट्टा साहब हमारे फाजल मेंबर हैं, उन्होंने कुछ शिकवे शिकायात और अपनी बात की तो सुनकर उनकी रूदाद अफसोस हुआ। एज ए सियासी कारकुन, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये उनकी रूदाद तो बड़ी सुन के दिल को तकलीफ़ हुई कि एक सियासी कारकुन या वर्कर के साथ ये सब हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त मोहतरम इनकी हुकूमत थी उस वक्त एक सियासी कारकुन मुझ पे लाठी चार्ज हुआ और सेशन कोर्ट के बाहर हुआ, और मैं इंसाफ किससे मांगूं, क्योंकि इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से अभी जवाब तलब किया तो मेरा ताल्लुक चूंकि पंजाब से है तो मैं वो सवाल जवाब किससे तलब करूं जो इनकी हुकूमत में कारकुनान के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, खवातीन के ऊपर हुई हैं, मैं उसका जवाब कहां से किससे मांगूं कि एक बाप के सामने उसकी बेटी को जो है वो सजा देने के लिए, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको जेल के बाहर गिरफ्तार करने आ गए थे, ये जवाब कौन देगा? आप मुझे ये बताएं कि जो सियासी कारकुनान के ऊपर जो FIR हुई है इनके अदवार में, जो खवातीन को इन्होंने लाठी चार्ज किया है, जिनकी चादरें उतारी गई हैं, उन खवातीन को इंसाफ कौन देगा? वो कौन सी हुकूमत जवाब देगी? और अगर यहाँ पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,
यहाँ पे अगर ब्लेम गेम ही करना है कि उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ और हमारे दौरे हुकूमत में क्या हुआ, तो फिर अवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा? अवाम ने जिस मकसद के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, क्या हम वो मकसद को पूरा कर रहे हैं या हम जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो हमें बुरा कहते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं। अगर इनको इंसाफ चाहिए तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि वो कौन सी इनको वो कौन सी ऐसी ताकतें और कुव्वतें थी जो खवातीन के ऊपर तशद्दुद करने के ऊपर मजबूर करती थी? पहले इसका जवाब दें। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। इख्तियार, आपको मौका देते हैं। इख्तियार बेग साहब, उसके बाद निशाद जट साहब। जी पॉइंट आ गया, तशरीफ रखें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैडम, मैडम तशरीफ रखें, आपको मौका मिला, आपने अपनी पॉइंट लाई है। जी इख्तियार साहब, आप बोले, आप बोले। जी जरा साहब, आप सर। जी सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डिप्टी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा एक फाइनेंस के मिनिस्टर साहब का होना था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स आए थे मिलने के लिए और उन्हें पता था कि आज प्राइवेट मेंबर्स का दिन है। तो हमारा एक DLTL एक होता है, ड्यूटी टैक्सेस ड्रॉबैक रिफंड्स, वो स्टेट बैंक से अप्रूव होने के बाद, तमाम केसेस स्क्रूटनिंग के बाद, वेरीफाई होने के बाद 4 साल से रुका हुआ और पेमेंट नहीं हो रहा है। और छोटे एक्सपोर्टर जो हैं वो लुट गए हैं, क्योंकि उनका ये पैसा ब्लॉक होने के माने कि कैश फ्लो उनका क्रंच जो है वो इतना ज़्यादा सीवियर है कि उन्होंने अब बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि मेरिट की बुनियाद पर, मैं कोई इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा, तमाम उन एक्सपोर्टर का जिनका DLTL अप्रूव है स्टेट बैंक से, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड रिलीज करने दें और वो स्टेट बैंक उनको दे देगा। तो आप प्लीज़ इस केस को आगे पहुंचा दें ताकि मैं उनको फेस करके कह सकूं कि उनकी मुश्किल मैंने यहां पहुंचा दी है DLTL पे। चले नेक्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इज हियर तो हम उनको मैसेज भी करा देते हैं। जी हाँ जी जी, निसार साहब जी, जी निसार जट साहब का माइक खोल। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बात करने का मौका फराहम किया। सर तकरीर तो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। मैं आपकी तवज्जा सबसे पहले तो सर इस बात पर दूँ कि आज हाउस को यहाँ पर आए हुए 2 से 2.5 माह हो चुके हैं। हमने अपना तमाम इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट का करवा के हाउस को ऑन फॉरवर्ड कर दिया है। अभी तक किसी भी फाजल रुकन, या उस तरफ बैठा है या इस तरफ बैठा है, किसी के नाम से अभी तक उसको सीट अलॉट नहीं हुई, जब हो जानी चाहिए थी। अब देखें, हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स या अपने अपनी बात को रेस करना पड़ता है तो हमें बार बार आपकी सीट की तरफ आना पड़ता है। मैं आपकी तवज्जा चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप फौरी तौर पर इस हाउस को इन ऑर्डर करें और इस